लगेगा इसको, दोनों को दोनों भाइयों को कोने के बीच में छोड़ दो, वालदा इनकी आ जाएगी, बड़ी मेहरबानी होगी। भेड़िया पीछे बैठा दो, क्या लोगे कायदा बात तक के मुनासिब ले लेना यार, अभी हालात भी ऐसे चल रहे हैं। आगे मली डिस्ट्रिक्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इस वक्त की क्या सूरत हाल है, करंट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर इस वक्त रेस्क्यू का क्या अमल है और क्या सूरत हाल है पूरे रोड पर, कोशिश करता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने की। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आप लोग ज़रा शेयर भी करते रहिएगा वीडियो को, आप लोग सपोर्ट करते हैं तभी दिल और करता है आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने का, जब आप लोग सपोर्ट नहीं करते। हालांकि अभी पिछली मैंने वीडियो बनाई थी मलिर मॉडल कॉलोनी की, 12 से 15 हज़ार व्यूज़ उसके अंदर आए, लोगों ने पसंद भी इतना किया, काफ़ी लोगों ने देखा, लेकिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। सब्सक्राइब तो दूर की बात है, वीडियो को लाइक तक नहीं किया। तो यार मैं इस तरह की वीडियोस बनाने का मेरा दिल ही नहीं करता फिर, कि आवाम की भलाई के लिए मैं वीडियोस बनाऊं। तो फिर मैं सोचता हूं कहीं फिर मैं अपनी भलाई के लिए वीडियो बनाऊं। तो भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब लाजमी कर लें चैनल को, तो बड़ी जल्दी है भाई, कराची के इतने हालात ख़राब है, इसको इतनी जल्दी पीछे से हॉर्न पे हॉर्न मारे जा रहा है। भाई आप लोगों से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दिएगा। इस वक्त मलिर डिस्ट्रिक्ट की ताज़ा सूरत हाल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ और यहाँ के मनाजिर आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये ताज़ा सूरत हाल है, गुज़रता दिन जो बारिशें हुई हैं, यानी कि रात को जो बारिश हुई है उसने पूरे कराची को हिला कर रख दिया है। एम्बुलेंस पीछे आ रही है तो हम एम्बुलेंस को रास्ता दे देते हैं। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है एम्बुलेंस को लाजमी रास्ता दें। और ये स्पिन गवर्नमेंट की एम्बुलेंस है, जो बैरिस्टर मुर्तुजा वहाब साहब ने इसका इब्तदा किया था, और ये तकरीबन 300 से 350 के करीब एम्बुलेंसिस है। और इंशाल्लाह ताला इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है और रेस्क्यू टीम काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रही है। ये मलिर का मॉडल मलिर कॉलोनी रेलवे स्टेशन है और ये नीम के दरख्त लगाए गए हैं, जो कि अब आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने बड़े हो गए, छोटे छोटे से लगाए गए थे और अभी ये देखें पानी भी इनको भर के भरपूर मिल रहा है बारिशों का।
इन बस वालों को भी चाहिए कि यार थोड़ी सी गाड़ी को स्लो चलाए, क्योंकि बाइक वाले जितने भी हैं वो बेचारे भीग सकते हैं। देखें किस तरीके से उड़ाता वाले के यार है। देखें इन बेचारों के मुंह में पानी है। रेस्क्यू टीम सिर्फ यहाँ तक है और यहाँ से पानी निकालेगी तो अपने आप पूरी मली डिस्ट्रिक्ट का पानी निकल जाएगा। यहाँ पर मुकम्मल रेस्क्यू टीम यहाँ पर वर्क कर रही है, जबकि फौज भी हमें नज़र आ रही है, ट्रैफिक हवलदार भी नज़र, ट्रैफिक पुलिस वाले भी नज़र आ रहे हैं। ये जीना टर्मिनल ग्राउंड है, यहाँ पर भी पूरा पानी भर चुका है। रात को जो बादल बढ़ते हैं वो पूरी कराची में एक साथ बढ़ते हैं। यहाँ से भी मैं थोड़ा सा दिखाऊं जीना टर्मिनल, ये टर्न लूँगा मैं यहाँ से, ये देखें यहाँ पर भी पानी भरपूर भरा हुआ है। ये जीना टर्मिनल ग्राउंड है और ये देखें ये इस वक्त के यहाँ के मनाजिर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ।